जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो हम जा रहे थे ज़रा सब्ज़ी वगैरह थोड़ी सी ग्रोसरी करने यहाँ पास ही मार्केट से, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। चलो मोहम्मद बेटा चले, चलो मेरे बेटा। हाँ जी हाँ जी, मोहन नीचे करो फातिमा। भैया आपको छोड़ के चला गया था? हाँ। भैया छोटी सी बहन, चलो हाथ रखो छोरी को इधर देख के, फातिमा मेरी तरफ देख के छोरी करना। सॉरी, दोनों लड़ रहे थे तो अब एक दूसरे से सॉरी कर रहे हैं। तो चलें आप भी मेरे साथ चलिए, देखते हैं आज सब्जी में क्या खरीदते हैं। इरादा तो है आलू गोभी खरीदने का, लेकिन अगर मिल गई तो। ये इतने प्यारे पौधे लगे हुए हैं माशाल्लाह, तो पता नहीं क्या कहते थे, मैं भूल गई, इसकी खुशबू बहुत ज्यादा होती है। चलो बेटा जी, यहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं मार्केट। उसके अलावा भी थोड़ी बहुत ग्रोसरी खरीदनी थी मुझे, वो भी खरीदूंगी। अच्छा, जो मैंने लास्ट व्लॉग लगाया ना जुम्मे वाले दिन का कल का, तो उसमें मुझसे गलती ये हुई कि मैंने जुम्मे का उसमें जिक्र नहीं किया, क्योंकि हम जुम्मा पढ़ के वैसे ही लेटे तो फिर आँख लग गई, हम सो गए, फिर हम 2 बजे उठे। तो ना काफ़ी मुझे कमेंट्स 2-3 सिस्टर्स के आए कि आपने जुम्मे का जिक्र नहीं किया, जो ज़ात हमें इतना कुछ देती है, हम उसकी ना शुक्री कर रहे हैं, उसका नाम ना लेते हो, हमें उसका नाम सबसे पहले लेना चाहिए। तो मुझे बहुत शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये उन्होंने बिल्कुल सही गाइड किया मुझे, और मुझे उनका गाइड करना बहुत अच्छा लगा। ज़ाहिर है कुछ गलतियाँ हो जाती, इंसान को नहीं पता चलता, तो मैं अपनी उस गलती से बहुत सीखा है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया करूँगी, ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले अपने अल्लाह का नाम लिया करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह का तो हम जितना शुक्र अदा करें कम है, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी तंदुरुस्ती हर नेमत से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बच्चे चूज कर रहे थे अपना जूस, 10 मिनट इन्होंने फैसला डिस्कशन करने के बाद फाइनल किया कि हमने ये कोला वाला जूस लेना है। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए पाइनएप्पल वाला जूस ले लिया, तो ये मुझे बहुत पसंद है, बच्चे तो पीते नहीं है। नहर बच्चे आए, फिर यहाँ पे उन्होंने चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह काफ़ी चीज़ें उन्होंने खरीदी। तो जी बस यहाँ पे सारी ग्रोसरी वगैरह तकरीबन मैंने कर ली है जो मैंने करनी थी, तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो जी घर आके फिर ये गोभी लेके आई, आलू गोभी आज लेके आई। पहले भी इस मार्केट में मैं 2-3 दफ़ा गई हूँ, लेकिन मुझे ना गोभी नहीं मिली थी, फाइनली आज मिली गई, लेकिन थोड़ा हालत दुरुस्त नहीं थी, लेकिन वो कह रहे थे ठीक होगी। तो बस जैसे मैं इसे काटने लगी तो इसमें तो फिर मैंने सोचा चलो पहले मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, कॉफ़ी साथ पीती जाऊँगी, मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ किचन में खड़े होकर इतनी सब्ज़ी काटना तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैं गोभी काटने लगी, एक फूल काटा, उसमें इतने कीड़े निकले, देख देख के बड़ी मुश्किल से काटा। मैंने कहा चलो एक फूल में ऐसा होगा, दूसरे की कटिंग करनी शुरू की, फूल की दूसरा भी ख़राब। और ये आप हालत देख सकते हैं, कमरा कितना गंदा किया हुआ बच्चों ने, 1 घंटा पहले मैंने साफ़ किया था। तो दूसरा फूल काट लिया कि उसमें भी जिसे हम कहते हैं सुंडियाँ, छोटी छोटी कीड़े भी कहते हैं उन्हें, तो वो निकले। फिर मैंने उस्मान को कॉल किया, उस्मान कहते हैं तुम रख दो मैं वापस करके आता हूँ। फिर मैंने रख दी, तो उस्मान वापस करने चले गए ये गोभी। चलते हैं, मैं सफाई कर रही थी तो बच्चे शायद मिली नगमा लगा के उस पर अपना पाकिस्तान का दिन मना रहे हैं। चलो फातिमा आप भी करो, मोहम्मद ने सुना वहाँ मैं पाकिस्तान हूँ जिंदाबाद हूँ, वही लगाई रखता है नगमा और करता है। करो फिर कहो, मैं ना गोभी तो बना नहीं सकती, इसलिए अभी ये मसल चावल बना रही हूँ, तो सारी ख़राब निकली, तो ये रखे हुए मैं ऊपर, अब पकेंगे। तो नाश्ता वाश्ता किया, दोपहर को खाना खाया, तो किचन का हाल कुछ इस तरह है, तब किचन साफ करती हूँ, बाहर से तो सारा क्लीन कर रही हूँ मैं। हाँ जी चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, करो 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 करो, ओए हो।
राम से राम से राम से। ओहो फ्रेंड्स, अगर आपको मोहम्मद के स्टंट्स अच्छे लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मोहम्मद को आपके मैसेजेस सुनाती हूँ, कमेंट्स जो आपने मोहम्मद के लिए किए होते हैं। मोहम्मद बहुत खुश होता है। फातिमा भी कर रही है वहाँ जी, वाह। ओह हो बस बस, चलो बेटा अब आराम से बैठ के देख लो। तो बस ये इंसान सोचता कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है। बस अल्लाह जो करता है वही बेहतरीन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सोचा आलू गोभी का था और बना मसर चावल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि गोभी काटने में काफ़ी देर होगी, फिर डिसाइड करने में कि क्या बनाए तो काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए अब जल्दी जल्दी से सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि मसर पकाना मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है और क्विक रेसिपी वही है। तो जी कुछ ना सलाद की तैयारी कर ली है, प्याज काट के नमक लगा लेती हूँ ना, तो इसमें वो इसकी जो क्रंचीपन होता है वो दूर हो जाता है ज़्यादा। ये भी मैंने काट लिए इस तरह, क्योंकि चावल के साथ खाने हैं तो क्यूब्स में खीरे काटे हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को भी मैश कर लिया है तड़के के लिए, और यहाँ पे मेरे मसर पक रहे हैं, और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चावल। अच्छा, मुझे ना कुकिंग का ये वाला हिस्सा बहुत अच्छा लगता है, तड़का, तड़के वाला। तो ये मैं तो दालें जितनी भी पकाती हूँ उनमें तड़का ज़रूर लगाती हूँ, एक कड़ी में तड़का लगता है। तो यहाँ पे मसर तो बिल्कुल तैयार हो गया है, तो चावलों को भी दम आने वाला। ये जीरे वाले नमकीन चावल बनाए हैं मैंने, तो बस ही अब ये हमने खाना शाना, अब उस्मान भी आ गए हैं, बस हम यहाँ खाना खाने लगे हैं। आप भी आ जाओ, ज्वाइन कर लें हमें। तो इसके बाद किचन की सफाई करूँगी थोड़ी सी। तो जी खाना वाना खा लिया हमने, उस्मान सारा बाहर गए हैं, तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी किचन की। तो ये मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ शीट लगाई है ना, यहाँ से मैं स्कॉच ब्राइट पे थोड़ा सा साबुन लगा के या फेरी लगा के साफ़ करती हूँ, फ़ौरन साफ़ हो जाता है। लाइक जैसे ये बाकी एरिया पे कोई चीज़ गिरी हो ना, यहाँ पे चीनी गिरी थी तो वह चिपक गई, लेकिन उस जगह पे बिल्कुल भी नहीं शीट के ऊपर कोई चीज़ चिपकती। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, अब इंशाल्लाह पाकिस्तान भी लेके जाऊँगी अपने लिए ये शीट। वैसे तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह न्यू घर बना है मेरा, अल्लाह का लाख करोड़ दफ़ा शुक्र है। तो वो किचन सारा कुछ न्यू ही है, लेकिन ये शीट मुझे अच्छी लगी, लेके जाऊंगी, फिर वहां जाके आप लोगों से पूछूंगी लगाऊं के ना, आप जो कहेंगे वैसे ही करूंगी। तो अगर अच्छी लगी तो लगा लेंगे। बस यहां तक था मेरा व्लॉग।